स्पेशल लिव इन कॉन्डोम्स, नाइजीरिया की स्पेशल 400 TCM पॉलिस्टर का बना हुआ। इसको आपको उतारने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या पता मौका कब हाथ लग जाए। ये अपने आप को आपके साइज के अनुसार एडजस्ट करता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपका सैनिक आपकी सेवा में तैयार मिले। लिव इन कॉन्डोम्स, पहन के रखना उतारना नहीं। वेलकम बैक, आई एम स्टिल विद डी, a man who's not ready to give answers, but we are trying to find answers from him. Sir, tell me something about your journey from Mumbai to here. Mumbai name. Okay, sure. से याद आया, वो कली फोन आया था, 3 दिन से पानी नहीं है मेरे मोहल्ले में, इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। Mr. D, let me remind you, I'm not in municipality. याद आ गया तो मैं ही करा देता हूँ, वो गए थे उनके को फोन लगा, अभी दिखाता हूँ म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। हेलो, हाँ गए थे उन्हें। सलाम भाई, क्या हाल है भाई? सब ठीक है। हाँ सलाम सलाम, वो सब ठीक है। अच्छा सुन, डोंगरी में 3 दिन से पानी नहीं है, जल्दी से टैंकर भिजवाओ उधर। हाँ, और दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा मैं। हाँ भाई अर्नब, बोलो। मिस्टर डी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी फ्रॉम टू हियर। भाई देख, डोंगरी ने मुझे बड़ा किया, मुसाफिर खाने ने मुझे पाला, वडाला और मनीष मार्केट ने मुझे डॉन बनाया, तेरी सरकार ने मुझे तड़ी पार कर दिया, बस इतना सा सफर है। और यहाँ इस जगह आप कैसे पहुंचे? यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, पूछ क्यों? क्यों? कराची में मुझे की खुशबू आती है। चलिए, खुशबू की बात हो रही है, would you want to say something about 93 blasts? वहां मत जा, वरना इंटरव्यू वैसा हो जाएगा। मिस्टर डी, मेरा काम है वहां जाना। आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर लाइक यू, आई डिलीवर ट्रूथ। तो ट्रूथ कहीं और जाके ढूंढ, यहाँ ट्रूथ नहीं है इस बारे में। तो आपको कुछ नहीं कहना है? अचानक से रिमोट की बैटरी कैसे डाउन हो गई? भाई अर्नब, बचपन में मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर किसी ने अपना मन बना ही लिया है तो उसे समझाने के लिए वक्त जाया नहीं करते। ठीक है, चलिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं ही पूछ लेता हूँ, क्या 93 ब्लास्ट्स में आपका हाथ था? नो, सिर्फ नहीं, अ प्लेन नो। हाँ तो क्या, इसके ऊपर मैं 3.5 मिनट का भाषण दूं तेरे को? व्हाट रबिश इज दिस, एविडेंस से साफ पता चलता है कि आपने बॉम्ब सप्लाई किए थे। हाँ किए थे, मैं कब कह रहा हूँ मैंने नहीं किए थे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपका हाथ नहीं था। भाई मेरे जो बम पटाखे चलते हैं वो सारे मैं ही सप्लाई करता हूं, और टीम में बाकायदा पटाखों की फैक्ट्री है मेरी। सो यू आर एक्चुअली सेइंग दैट यू ओन अ फायरवर्क्स फैक्ट्री इन इंडिया? हाँ। इफ यू डोंट माइंड, आप उस कंपनी का नाम बता सकते हैं? फिर डिटेल में घुस रहा है। वो क्या बोला था तूने कि मैं ड्रग्स का क्या हूं? डोमिनोज। डोमिनोज, तो अब ये समझ ले कि मैं बम का भी बिग बाजार हूं। चलिए आपके ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात करते हैं, हैं? मतलब आपके बिजनेस को रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती है उनकी बात करते हैं। ये बॉम्ब के बिजनेस में प्रॉब्लम तो बहुत होती होंगी ना? हाँ, प्रॉब्लम से मुझे याद आ गया, अभी कल ही अलकायदा वालों का फोन आया था, वो कह रहे थे कि दिल्ली में एक सुसाइड बम्बर लड़की भेजी थी, वो बेचारी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी, 4 लड़कों ने उसे देखा, अपना हक समझा कर दिया। अब बताओ, ये दिल्ली में ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर रखा है क्या? आप वो प्लीज वो सुसाइड बॉम्बर वाली बात को इलैबोरेट कर सकते हैं? मुद्दे से भटक मत, पॉइंट ये है कि तुम्हारी कंट्री में एक शरीफ लड़की इत्मीनान से अपना काम भी नहीं कर सकती यार। मैं मानता हूं, बट आपकी सो कॉल्ड वो मासूम लड़की भी वहां कोई कैंडल मार्च करने नहीं गई थी। खैर छोड़िए, लेट्स जस्ट मूव ऑन। आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स है? एट्रिशन। वाह, अनरिजॉल्व फादर इश्यूज समझ में नहीं आते, एट्रिशन का पता है? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, नथिंग, यू कैरी ऑन। पिछले 2 महीने में मेरे 200 लोग काम छोड़ के जा चुके हैं। कमाल है, मैंने तो सुना था कि डॉन की नौकरी को छोड़ ही नहीं सकता। खैर सुना तो सही है, लेकिन वो तुम्हारा बाबा है ना, वो हम 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 ये करता रहता है, वो तो उसको धमकाने के लिए भेजा था, तो 3 दिन वो उसके कैंप में रहे, बोले अब वापस ही नहीं आ रहे। उनकी देखा देखी ये पैसे भी कुछ लोग वहां चले गए। वो क्या SMS आया था? पैसे गिरधारी बता सर।
भाई हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, ये ऐसे में सारे हैं, क्या करें। बम है किधर, कहाँ भाई, लाऊं क्या? बम है। अरे कहाँ खो गया, आगे पूछ। रिपोर्टर? रिपोर्टर नहीं, सीनियर एडिटर। क्या फर्क है दोनों में? वही जो गैंगस्टर और डॉन में होता है। ऑन दिस नोट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आई एम स्टिल सिटिंग विद द मोस्ट वांटेड मैन ऑन द प्लेनेट एंड बिलीव मी थिंग्स आर गोना गेट लॉट मोर इंटरेस्टिंग। डोंट गो अवे। ला पानी ला भाई के लिए। अजीब टाइप के आदमी हो यार। थैंक यू। रे क्या हुआ? ये बड़े लोग भी कितने कंजूस होते हैं। 2 घंटे भीख मांगने के बाद ये मिली और उसमें भी चीनी नहीं डाली। क्या बात कर रहा है, इसमें चीनी नहीं है, अब क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? सोचना पड़ेगा, रुक। आइडिया आया, वो भी सोचना पड़ेगा। बॉन्ड, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। भाई एक बात बताओ, कब से ये आइडिया मेरे दिमाग में गुटरगू कर रहा था, पर साला जुबान में नहीं आया। अबे संगत का असर है। ये क्या दे दिया? क्या है ना, एक दुर्योधन के बाद ना आप ही हैं जिसने चीरहरण किया है। चीरहरण क्या होता है? ये चीरहरण मतलब किसी को जिस्मानी तौर पर नंगा करना। किसी और तौर पे भी नंगा करते हैं क्या? हाँ भाई, करते हैं। कौन सा? रूहानी तौर पे।